हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंटीग्रल ऑफ रूट टेन एक्स, रूट कोट एक्स और दोनों का समेशन। तो जो फर्स्ट पार्ट है रूट टेन एक्स, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसको मैंने हाईलाइट किया है। अब इसके बाद क्या करना होगा, ये जो रूट टेन एक्स है इसको रूट से बाहर लेके आना है। तो इसके लिए ये जो टेन एक्स है इसको मैं टी स्क्वायर पुट करूंगा, पुट टेन स्क्वायर इक्वल टेन एक्स इक्वल टी स्क्वायर। ओके, अब हमारा जो फंक्शन x में था वो अब t में आएगा, ठीक है। तो उसके लिए डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या आएगा, sec स्क्वायर x dx इक्वल 2t dt। यहां से dx की वैल्यू क्या आ रही है, 2t अपॉन sec स्क्वायर x dt, dx इक्वल 2t, इसको tan की फॉर्म में क्या लिखे, 1 प्लस tan स्क्वायर x, और ये dt as it is, जो dx है उसकी वैल्यू t फंक्शन में आ रही है, लेकिन ये जो है ये तो x वेरिएबल में है ना, तो इसको भी t वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए 2t अपॉन 1 प्लस t, ये क्या है tan x, t स्क्वायर है ना, और ये क्या है tan x का होल स्क्वायर है, मतलब t राइज टू पावर 4 हो जाएगा। तो जो dx की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास वो ओनली t फॉर्म में है, t वेरिएबल में है, ठीक है। अब ये वैल्यू यहां पे पुट करते हैं, सो आई इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ रूट टेन एक्स, इसको रूट टेन एक्स यहां से क्या मिलेगा, अगर मैं इधर रूट कर दूं तो ओनली टी मिलेगा ना, टी इंटू डी एक्स, डी एक्स की वैल्यू ये कंप्लीट, टू टी अपॉन वन प्लस टी राइज टू पावर फोर डी टी, आई इक्वल टू टी इंटू टी, टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी राइज टू पावर फोर डी टी। अब न्यूमरेटर में तो टी स्क्वायर आ रहा है और डेनोमिनेटर में टी राइज टू पावर फोर आ रही है, तो इस केस में इनके साथ प्लस या माइनस लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे टी स्क्वायर टू टाइम है, तो टी स्क्वायर जो टू टाइम है इसको सेपरेट लिखेंगे, मतलब इस फॉर्म में लिखेंगे, टी स्क्वायर एक बार प्लस वन के साथ और प्लस टी स्क्वायर माइनस वन के साथ, इनको सोल्व करोगे तो यही टर्म मिलेगी। देखो प्लस वन माइनस वन कैंसिल, टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर टू टी स्क्वायर, और डेनोमिनेटर में क्या है, वन प्लस टी राइज टू पावर फोर डी टी, ठीक है। इसके बाद क्या करना होगा, ये जो डेनोमिनेटर है इससे सेपरेट डिवाइड करेंगे इन दोनों में, ब्रैकेट वालों में, आई इक्वल टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी फोर प्लस वन प्लस डी टी प्लस टी स्क्वायर माइनस वन बाई टी राइज टू पावर फोर प्लस वन डी टी, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद जो टी स्क्वायर है उससे डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर में भी और डेनोमिनेटर में भी, ठीक है, इन दोनों में भी, इन दोनों में भी, आई इक्वल डिवाइड करने पर क्या मिलेगा, वन प्लस वन बाई टी स्क्वायर, और डेनोमिनेटर में यहां से मिलेगा मेरे को टी स्क्वायर, और यहां से वन बाई टी स्क्वायर डी टी, प्लस अगर मैं इसमें डिवाइड करूं टी स्क्वायर से तो मिलेगा वन माइनस वन बाई टी स्क्वायर, और डेनोमिनेटर में टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर, ये फॉर्म आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद अब न्यूमरेटर में देख रहे हैं, देखना हमको न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, वन प्लस वन बाई टी स्क्वायर, और यहाँ पे वन माइनस वन बाई टी स्क्वायर, यहाँ पे जो साइन है उसके अपोजिट साइन से होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे डेनोमिनेटर को, यहाँ पे प्लस है तो माइनस से, ठीक है, यानी ए माइनस बी होल स्क्वायर क्रिएट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस है तो इससे डेनोमिनेटर में ए प्लस बी होल स्क्वायर क्रिएट करेंगे, ठीक है। आई इक्वल, अब मैं ऊपर लिख रहा हूं, इसी स्टेप को मैं फिर से लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो और मेरे को भी दिक्कत ना हो बार बार ऊपर नीचे करने में। I इक्वल वन प्लस वन बाई टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर डी टी प्लस वन माइनस वन बाई टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर डी टी, ये फॉर्म आ चुकी थी हमारी, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद न्यूमरेटर में जो टर्म है वहां पे साइन देखना है, प्लस है ना, तो माइनस का होल स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है, नीचे, तो ऊपर वाली टर्म एज इट इज, वन प्लस वन बाई टी स्क्वायर और इसके साथ डी टी,
और नीचे मेरे को बनाना होगा प्लस है तो माइनस, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर। अब देखो इसको अगर मैं एक्सपेंड करूं तो क्या क्या मिलेगा मेरे को, ए स्क्वायर मिल रहा है प्लस बी स्क्वायर भी मिल रहा है, माइनस टू ए बी जो कि एक्स्ट्रा टर्म आएगी, और वो टू ए बी क्या रिजल्ट देगी, ओनली माइनस टू देगी ना, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए लिखूंगा मैं यहाँ पे प्लस टू। अब इसको अगर मैं कंप्लीट को सोल्व करता हूं तो ये वाली टर्म ही बचेगी, ठीक है, प्लस ये ही यहां पे करना है, यहां पे माइनस है तो नीचे प्लस का होल स्क्वायर क्रिएट करेंगे, वन माइनस वन बाई टी स्क्वायर न्यूमरेटर एज इट इज, और इसको लिखेंगे टी प्लस वन बाई टी होल स्क्वायर। अब अगर मैं इसको सोल्व करूं तो क्या मिला मेरे को, ए स्क्वायर ठीक है प्लस बी स्क्वायर ठीक है, एक टर्म एक्स्ट्रा आएगी प्लस टू ए बी यानी प्लस टू, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ओनली टू बचेगा, वो तो यहां पे था नहीं, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए मैंने लिखा माइनस टू। ओके, अब इससे फायदा क्या होगा, देखो अगर मैं इसको टी इसको पी एज्यूम कर लूं तो उसको डिफ्रेंशिएट करने पे मेरे को ये मिल जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए पहले इसको आई वन और इसको आई टू लेट करता हूं मैं, ठीक है, सेपरेट इनको इंटीग्रेट कर देंगे, लेट आई वन इक्वल वन प्लस वन बाई टी स्क्वायर अपॉन टी माइनस वन बाई टी होल स्क्वायर प्लस टू डी टी, एंड आई टू मैंने इसको लेट किया वन माइनस वन बाई टी स्क्वायर अपॉन टी प्लस वन बाई टी होल स्क्वायर माइनस टू डी टी, ठीक है। अब आई वन को सोल्व करता हूं मैं, पहले आई वन जो है उसमें चलो एक बार लिख लेते हैं आई वन को, वन प्लस वन बाई टी स्क्वायर और नीचे t माइनस वन बाई टी होल स्क्वायर प्लस टू डी टी, ये जो ब्रैकेट वाला है इसको p एज्यूम करते हैं, पुट करते हैं, पुट t माइनस वन बाई टी इक्वल p, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहां पे क्या मिलेगा, वन प्लस वन बाई टी स्क्वायर डी टी इक्वल डी पी। ओके, यानी न्यूमरेटर की वैल्यू मेरे को dp में मिल चुकी है, सो आई वन इक्वल dp अपॉन इसको मैंने p एज्यूम किया तो ये बन गया p स्क्वायर प्लस टू, टू क्या है रूट टू होल स्क्वायर है ना, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा वन बाई ए, ये तो फॉर्मूला बन गया ना, वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू x, क्या आता है वन बाई ए टेन इनवर्स x बाई ए, तो यहां पे वन बाई ए क्या है रूट टू टेन इनवर्स p अपॉन रूट टू प्लस कॉन्स्टेंट C1 क्यों लिखा, क्योंकि अभी तो I1 को सोल्व कर रहा हूं, I2 को सोल्व करूंगा तो एक कॉन्स्टेंट यहां से आएगा तो उसको C2 एज्यूम कर लूंगा, ठीक है, I1 आ चुका है ये, अब यहां पे जो P है उसको वापस पुट करते हैं, I1 इक्वल T4 में 1 बाई रूट टू टेन इनवर्स P, P क्या है टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टी टी और इसके साथ ये यानी रूट टू टी प्लस कॉन्स्टेंट सी वन, आई वन इक्वल वन बाई रूट टू और क्या है टेन इनवर्स, जहां पे टी है टी स्क्वायर वहां पे क्या लिखेंगे, देखो टी स्क्वायर मैंने किसको एज्यूम किया था, टी स्क्वायर एज्यूम किया था टेन एक्स को, ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा टेन एक्स माइनस वन अपॉन रूट टू इंटू टी और टी क्या यहां से रूट टेन एक्स, टी यहां से फाइंड करेंगे तो क्या आएगा रूट टेन एक्स, यानी रूट के अंदर आ गया टू टेन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी वन, ये आई वन की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब जो आई टू है उसको लेते हैं, आई टू क्या था, आई टू था ये वाला, तो इसी को मैं फिर से लिख रहा हूं, आई टू है हमारा नीचे लिखना होगा 1 माइनस वन बाई टी स्क्वायर अपॉन टी प्लस वन बाई टी होल स्क्वायर माइनस टू डी टी, ठीक है। अब क्या करना होगा, इसके बाद ये जो टर्म है इसको मैं जेड पुट करता हूं, ठीक है, पुट टी प्लस वन बाई टी इक्वल जेड, अब डिफ्रेंशिएट करने पे क्या मिलेगा, इसका 1 टी के रिस्पेक्ट में और इसका माइनस वन बाई टी स्क्वायर ओके डी टी इक्वल डी जेड। अब ये जो वैल्यू है न्यूमरेटर वाली उसके बदले मिल गया मेरे को डी जेड, अब यहां पे पुट करते हैं आई टू में, आई टू इक्वल न्यूमरेटर में मिला मेरे को डी जेड
और डेनोमिनेटर में इसको z एज्यूम किया था, z स्क्वायर माइनस टू, टू को लिख सकता हूं मैं रूट टू होल स्क्वायर, ठीक है। आई टू इक्वल, अब इसकी खुद की एक आइडेंटिटी है, वो क्या है, वन बाई टू ए, ए क्या यहां पे रूट टू लॉग जेड माइनस ए अपॉन जेड प्लस ए, जेड माइनस ए मतलब रूट टू अपॉन जेड प्लस ए रूट टू प्लस कॉन्स्टेंट सी टू, ओके। आई टू इक्वल वन बाई टू रूट टू लॉग, अब जो z है उसकी वैल्यू t में वापस सब्सटीट्यूट करते हैं, z क्या है t स्क्वायर प्लस वन अपॉन t, z क्या है t स्क्वायर प्लस वन अपॉन t, ठीक है, एलसीएम लेने के बाद। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं t स्क्वायर प्लस वन अपॉन t और माइनस रूट टू, डेनोमिनेटर में भी t स्क्वायर प्लस वन अपॉन t प्लस रूट टू प्लस कॉन्स्टेंट c2। अब इसको सोल्व करते हैं, आई टू इक्वल वन बाई टू रूट टू लॉग, सोल्व करने पे क्या मिलेगा, टी स्क्वायर प्लस वन माइनस रूट टू टी अपॉन इसका एलसीएम टी, और वो इसके एलसीएम टी से कैंसिल हो जाएगा, तो एलसीएम लेने के बाद यहां पे क्या मिलेगा, टी स्क्वायर प्लस वन प्लस रूट टू टी प्लस कॉन्स्टेंट सी टू, ठीक है। आई टू इक्वल वन बाई टू रूट टू लॉग, अब जो t है और t स्क्वायर है उनकी वैल्यू चेक करते हैं, t स्क्वायर क्या है, टेन एक्स है, तो t क्या आएगा, रूट टेन एक्स। अब यहां पे t को x में वापस सब्सटीट्यूट करते हैं, t स्क्वायर क्या है, टेन एक्स, तो यहां पे लिखा मैंने टेन एक्स माइनस रूट टू टी यानी माइनस रूट टू टेन एक्स प्लस वन कॉन्स्टेंट प्लस वन अपॉन सेम ये टर्म नीचे, बस यहां पे प्लस हो जाएगा, तीनों टर्म पॉजिटिव है ना, टेन एक्स प्लस रूट टू टेन एक्स प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट सी टू। अब आई टू भी आ गया हमारे पास और आई वन भी आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये जहां पे आई था वो क्या था, आई वन प्लस आई टू के इक्वल था ना, तो यहां ये आई वन और आई टू की वैल्यू पुट करते हैं, सो आई इक्वल आई वन, आई वन क्या है, वन बाई रूट टू टेन इनवर्स, ये वाला वन बाई रूट टू टेन इनवर्स टेन एक्स माइनस वन अपॉन रूट टू टेन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी वन, अब इसको छोड़ दो, ठीक है ना, क्योंकि सी वन प्लस सी टू एक नया कॉन्स्टेंट कैपिटल सी लिख देंगे उसको, ओके। I1 हो गया प्लस I2 ये वाला है, तो प्लस आगे स्पेस नहीं है, मैं नीचे लिख रहा हूं वन बाई टू रूट टू लॉग टेन एक्स माइनस रूट टू टेन एक्स प्लस वन अपॉन टेन एक्स प्लस रूट टू टेन एक्स प्लस वन। अब देखो ये C2 और यहां से C1 दोनों को प्लस करेंगे तो एक नया कॉन्स्टेंट आ जाएगा जिसको मैं कैपिटल C लिख रहा हूं, ये इसका सॉल्यूशन। अब देखते हैं सेकंड टाइप, जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें आपको रूट टेन एक्स के बजाय रूट कोटेक्स दे रखा है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करें, तो प्रोसेस इसका भी वही है कि इसको रूट से बाहर निकालना पहले, तो इसको मैं पुट करूंगा टी स्क्वायर पुट कोट एक्स इक्वल टी स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करने पे मिलेगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू टी डी टी। डी एक्स फाइंड करते हैं, डी एक्स की वैल्यू, क्योंकि जो हमारा अब वेरिएबल है वो एक्स से हटके टी में आना चाहिए, ठीक है, तो डी एक्स को हटा के डी टी फॉर्म कन्वर्ट करेंगे। डी एक्स यहां से क्या आ रहा है, टू टी अपॉन ये माइनस वाला इधर आएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी टी, डी एक्स इक्वल माइनस टू टी, और नीचे इसको कोट की फॉर्म में लिख सकते हैं ताकि कोट से टी में जा सके, ठीक है, तो इसको लिखा मैंने वन प्लस कोट स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स को। अब ये कंप्लीटली टी में आ जाएगा, डी एक्स इक्वल माइनस टू टी अपॉन वन प्लस कोट स्क्वायर एक्स, यहां से क्या मिलेगा कोट स्क्वायर एक्स, इसका स्क्वायर करें तो पावर फोर आएगी
यानी टी राइज टू पावर 4 डी टी। तो डी एक्स की वैल्यू टी की 4 में आ चुकी है, ठीक है। इतना करने के बाद अब ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे पुट करते हैं, आई इक्वल इंटीग्रेशन रूट कोट एक्स, यहाँ से क्या आ रहा है रूट, अगर कर दे तो ओनली टी बचेगा ना, टी इंटू डी एक्स, डी एक्स की वैल्यू ये है, तो इस माइनस को आगे लिखा मैंने 2t अपॉन 1 प्लस टी राइज टू पावर 4 dt, i इक्वल माइनस, सोल्व करने पे क्या मिलेगा 2t raise to power 2 अपॉन 1 प्लस टी राइज टू पावर 4 dt, ओके okay? फिर क्या करना है उसके बाद, ये जो 2t स्क्वायर है ना, इस 2t स्क्वायर को अलग अलग t स्क्वायर फॉर्म में लिखते हैं, जिनके साथ प्लस 1 और माइनस 1 भी कर सकें, यानी मैंने लिखा इसको t स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन में कौन है 1 प्लस टी राइज टू पावर 4 डी टी। इसको अगर सोल्व करें तो टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर 2 टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 एलिमिनेट हो गया, ठीक है, वही टर्म आई। अब डेनोमिनेटर, ये जो टर्म है डेनोमिनेटर में, इससे इन दोनों में सेपरेट डिवाइड करते हैं, आई इक्वल माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी 4 प्लस 1 प्लस माइनस माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 प्लस टी 4 डी टी। उसके बाद टी स्क्वायर से न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे, ठीक है, आई इक्वल माइनस, डिवाइड करने पे मिलेगा 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर और नीचे टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, टी स्क्वायर से मैंने डिवाइड किया डी टी, माइनस यहां पे करेंगे तो मिलेगा 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। इसको I1 और इसको I2 लेट करते हैं, तब I की किसके इक्वल आया I1 प्लस I2, प्लस किस लिए, मैंने कंप्लीट माइनस साइन के साथ I2 लेट किया है और माइनस साइन के साथ इसको I1 लेट किया है, ठीक है। अब जो I1 है उसको सोल्व करते हैं, I1 क्या वैल्यू देगा, I1 इक्वल माइनस इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी, ये हमारा I1 है, ठीक है। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, और वो परफेक्ट स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर में बनाए या a माइनस बी होल स्क्वायर में बनाए वो डिपेंड करता है न्यूमरेटर में जो बीच में साइन है वो किसका है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव से, नेगेटिव है तो पॉजिटिव होल स्क्वायर में इसको क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको देख के प्लस है ना, तो माइनस वाले से होल स्क्वायर क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो टी माइनस वन बाई टी होल स्क्वायर लिखेंगे। अब देखो इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये दोनों टर्म आएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, एक टर्म एक्स्ट्रा आएगी माइनस टू ए बी, यानी माइनस टू एक्स्ट्रा आएगा तो उसको एलिमिनेट करने के लिए लिखा मैंने प्लस टू, ठीक है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जैसे ही मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो न्यूमरेटर वाली टर्म मिल जाएगी मेरे को। अब इसको मैं p पुट करता हूं, पुट t माइनस वन बाई टी इक्वल p, अब डिफ्रेंशिएट करने पे क्या मिलेगा, यहां से 1 और इसका जो डिफ्रेंशिएशन आएगा वो नेगेटिव आएगा, वो नेगेटिव इसको पॉजिटिव करेगा, 1 बाई टी स्क्वायर आएगा आगे, ठीक है। और यहां पे dp सॉरी dt इक्वल dp, ये डी टी इक्वल डी पी कैसे आते हैं, क्योंकि जो पी है ना उसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आर एच एस में डी पी बाई डी टी, वो डी टी इधर आ गया, ठीक है। तो 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी पी, यानी न्यूमरेटर डी टी है सॉरी न्यूमरेटर किसके इक्वल आ गया, डी पी के इक्वल आ गया। सो आई वन इक्वल माइनस डी पी और नीचे पी स्क्वायर प्लस टू, पी स्क्वायर प्लस इस टू को लिख सकते हैं रूट टू होल स्क्वायर, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन टेन इनवर्स फोर में आएगा, आएगा क्या वो मैं ऊपर लिख देता हूं, आई वन इक्वल माइनस इस वाले का इंटीग्रेशन क्या आएगा, वन अपॉन ए, ए क्या यहां पे रूट टू, यानी वन बाई रूट टू टेन इनवर्स पी अपॉन रूट टू, वन बाई रूट टू टेन इनवर्स p अपॉन रूट टू प्लस कॉन्स्टेंट c, c नहीं c1, क्योंकि i2 भी है ना, वहां से भी एक कॉन्स्टेंट आएगा। i1 इक्वल माइनस 1 बाई रूट टू टेन इनवर्स, अब जो p है उस p को t की फॉर्म में लिखते हैं, p किसको एज्यूम किया था,
टी माइनस वन बाई टी, तो पी के बदले टी माइनस वन बाई टू, वन बाई टी, पी माइनस पी नहीं सॉरी टी, टी माइनस वन बाई टी अपॉन रूट टू प्लस कॉन्स्टेंट सी वन, ठीक है। आई वन इक्वल माइनस वन बाई रूट टू टेन इनवर्स, अब इसको एलसीएम लेके सोल्व करते हैं तो यहां पे मिलेगा टी स्क्वायर माइनस वन, टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टी, और वो टी रूट टू से मल्टीप्लाई होगा तो रूट टू टाइम टी प्लस कॉन्स्टेंट सी वन। अब जो टी है या टी स्क्वायर है उसकी वैल्यू यहां से पुट करते हैं, टी स्क्वायर क्या है कोटेक्स, टी स्क्वायर क्या है कोटेक्स, ये ब्लर हो रहा है, अब देखो टी स्क्वायर क्या है कोटेक्स है, ठीक है। तो टी क्या आएगा रूट कोटेक्स, यानी टी को रूट कोटेक्स और टी स्क्वायर को कोटेक्स यहां पे लिखेंगे, ठीक है। आई वन इक्वल माइनस वन बाई रूट टू टेन इनवर्स टी स्क्वायर कोटेक्स माइनस वन अपॉन रूट टू टी, ठीक है रूट कोटेक्स इंटू रूट टू, यानी रूट के अंदर आ गया टू कोटेक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी वन, ओके। अब आई वन तो फाइंड कर लिया मैंने, ये वाला बात करते हैं आई टू की, तो आई टू है क्या पहले उसको लिखते हैं, आई टू है नेगेटिव इंटीग्रेशन वन माइनस वन बाई टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर डी टी, ये देखो आई टू इसी को लेट किया था ना आई टू, ये ही मैंने यहां पे लिखा है, ठीक है। अब ये जो आई टू मैंने लिखा इसको सोल्व करते हैं, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, तो उसके लिए ये जो वाली टर्म है ना इसको होल स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, a प्लस बी फॉर्म में या a माइनस बी में, वो डिपेंड करता है कि न्यूमरेटर में जो साइन है वो कैसा है, बीच में पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है तो पॉजिटिव बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना, t प्लस वन बाई टी होल स्क्वायर बनाएंगे, और एक टर्म एक्स्ट्रा हो रहेगी क्या आएगी वो देखते हैं अभी, a प्लस बी होल स्क्वायर एक्सपेंड करोगे तो ए स्क्वायर मिल रहा है प्लस बी स्क्वायर मिल रहा है प्लस टू ए बी आएगा, उसको एलिमिनेट करने के लिए माइनस टू ए बी यानी माइनस टू आएगा, भाई a और b को मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल हो जाएगा टू तो बचाना। आई टू इक्वल माइनस वन माइनस वन बाई टी स्क्वायर और नीचे नीचे आ रहा है टी प्लस वन बाई टी होल स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं रूट टू होल स्क्वायर और डी टी। अब इसको p या z एज्यूम करते हैं, पुट टी प्लस वन बाई टी इक्वल जेड, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो न्यूमरेटर वाली टर्म मिलेगी, यानी वन माइनस वन बाई टी स्क्वायर इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, इधर आएगा डी जेड बाई डी टी, उस डी टी को मैंने इधर ट्रांसफर किया, इधर बच गया ओनली डी जेड। अब ये जो वैल्यू है न्यूमरेटर में है इसकी इसके बदले डी जेड पुट करते हैं, आई टू इक्वल माइनस डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस रूट टू स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस रूट टू स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी खुद की एक आइडेंटिटी है, आई टू इक्वल माइनस इसका क्या आएगा वन बाई टू ए, वन बाई टू ए, ए क्या है रूट टू, वन बाई टू ए लोग जेड माइनस रूट टू अपॉन जेड प्लस रूट टू, जेड माइनस रूट टू बाई जेड प्लस रूट टू प्लस कॉन्स्टेंट सी टू। आई टू इक्वल माइनस वन बाई टू रूट टू, ठीक है, उसके बाद लोग, अब ये जो जेड है इसको टी में सब्स्टिट्यूट करते हैं, जेड क्या है टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी, यहां पे लिखा मैंने टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी माइनस रूट टू, और नीचे नीचे भी यही है, बस ये यहाँ पे जो साइन है वो प्लस हो जाएगा, यानी टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी प्लस रूट टू प्लस कॉन्स्टेंट सी टू। आई टू इक्वल माइनस वन बाई टू रूट टू लोग, इसको एलसीएम लेके सोल्व करते हैं तो मिलेगा टी स्क्वायर प्लस वन माइनस रूट टू टी, और नीचे जो एलसीएम आएगा वो इसके एलसीएम से एलिमिनेट हो गया, तो नीचे वाली टर्म पॉजिटिव है ना, यहां पे प्लस आ जाएगा बस, यानी टी स्क्वायर प्लस वन प्लस रूट टू टी प्लस कॉन्स्टेंट सी टू। अब जो टी है उसको तो लिखेंगे रूट कोटेक्स, और जो टी स्क्वायर है उसको लिखेंगे ओनली कोटेक्स, सो आई टू इक्वल माइनस वन बाई टू रूट टू लोग कोटेक्स प्लस वन माइनस रूट टू कोटेक्स,
और नीचे कोटेक्स प्लस वन प्लस रूट टू कोटेक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी टू। सो आई इक्वल, आई क्या था, आई वन प्लस आई टू। तो जो आई है, आई वन है, आई वन क्या है, ये वाला, तो इसको लिख रहा हूं प्लस आई टू। आई वन की वैल्यू है हमारे पास माइनस वन बाई रूट टू टेन इनवर्स कोट एक्स माइनस वन अपॉन रूट टू कोट एक्स प्लस सी वन। अब सी वन को मैंने छोड़ दिया अभी प्लस, क्योंकि सी टू भी आगे, दोनों को प्लस करके कैपिटल से लिखेंगे प्लस आई टू। आई टू क्या है, ये वाला, तो प्लस माइनस माइनस, तो इसको हटा के मैंने डायरेक्ट माइनस किया, ठीक है, माइनस वन बाई टू रूट टू लॉग और लॉग के अंदर है वन प्लस कोटेक्स माइनस रूट टू कोटेक्स और नीचे ये टर्म है, बस यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा वन प्लस कोटेक्स प्लस रूट टू कोटेक्स। अब देखो जो दो कॉन्स्टेंट थे हमारे पास सी वन और सी टू, उनको प्लस करना है, ठीक है ना, सॉरी माइनस करना है, माइनस सी वन और माइनस सी टू जो भी है, प्लस सी वन या माइनस सी टू, तो उनके बदले एक नया कॉन्स्टेंट आ गया जिसको मैंने कैपिटल सी लिखा। ये इसका आंसर। लास्ट जो टाइप है वो दोनों का समेशन है, मतलब रूट टेन एक्स प्लस रूट कोटेक्स, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। अब तो उसके लिए ये जो कोटेक्स है इसको टेन एक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, आई इक्वल इंटीग्रेशन रूट टेन एक्स, और इसको लिखा मैंने वन बाई रूट टेन एक्स डी एक्स। अब एलसीएम लेके अगर इसको सोल्व करें तब रिजल्ट मिलेगा टेन एक्स प्लस वन और नीचे रूट टेन एक्स। अब वही प्रोसेस जो टेन वाले के लिए किया था, क्योंकि रूट टेन के अंदर आ रहा है तो इसको रूट से बाहर करेंगे, तो उसके लिए मैंने इसको पुट किया टेन एक्स को टी स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट करने पे मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू टी डी टी। यहां से डी एक्स फाइंड करें तो आएगा टू टी अपॉन sec स्क्वायर x, उसको लिखा मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर x, और टेन स्क्वायर x मतलब t राइज टू पावर 4 dt। तो dx की वैल्यू t 4 में आ चुकी है। I इक्वल टेन x को क्या लिखें, t स्क्वायर, यानी 1 प्लस t स्क्वायर अपॉन रूट टेन x, रूट टेन x मतलब रूट t स्क्वायर यानी t इंटू डी एक्स। डी एक्स क्या है, टू टी अपॉन वन प्लस टी राइज टू पावर फोर डी टी, ये टी से कैंसिल, ये जो टू कॉन्स्टेंट है इसको मैंने आगे लिखा, अंदर क्या बचा वन प्लस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी राइज टू पावर फोर डी टी। ऑलरेडी आपको वो टर्म मिल चुकी है जो जिसका डिफ्रेंसिएशन हम जानते हैं, और इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करोगे, तो इसके लिए टी स्क्वायर से सेपरेट डिवाइड करना होगा। आई इक्वल टू टी स्क्वायर से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं सभी टर्म्स में, तो यहां पे मिलेगा 1 और यहां पे मिलेगा 1 बाई टी स्क्वायर, यहां पे मिलेगा टी स्क्वायर और यहां पे मिलेगा 1 बाई टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। आई इक्वल, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए प्लस होल स्क्वायर बनाए या माइनस होल स्क्वायर वो डिपेंड करता है इस साइन पे, यहां पे साइन पॉजिटिव है तो नीचे ए माइनस बी होल स्क्वायर क्रिएट करेंगे, ठीक है ना, यानी t माइनस वन बाई टी होल स्क्वायर। अब इसको अगर मैं एक्सपेंड करूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल रहा है, एक टर्म और आएगी माइनस टू ए बी यानी माइनस टू, उसको एलिमिनेट करने के लिए प्लस टू करेंगे। अब इस वाली टर्म को अगर मैं p पुट करूं तो उसको डिफ्रेंशिएट करने पे मेरे को ये ऊपर वाली टर्म मिल जाएगी, ठीक है, पुट t माइनस वन बाई टी इक्वल पी। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं क्या आएगा, वन माइनस वन बाई सॉरी वन प्लस वन बाई टी स्क्वायर डी टी इक्वल डी पी, यानी न्यूमरेटर के बदले आ गया डी पी, ये टू एज इट इज। आई इक्वल टू एज इट इज ऊपर डी पी और नीचे
इसको लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस रूट टू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस रूट टू स्क्वायर। ये किस फॉर्म में आएगा, टेन इनवर्स फॉर्म में आएगा। आई इक्वल टू एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन आएगा वन बाई ए, ए क्या है यहां पे रूट टू, टेन इनवर्स पी अपॉन ए, पी अपॉन रूट टू प्लस कॉन्स्टेंट सी। आई इक्वल यहां पे ऊपर तो टू है और नीचे रूट टू है, ठीक है, इसको लिख सकते हैं रूट टू इंटू रूट टू ताकि एक रूट टू कैंसिल हो जाए और ऊपर क्या बचे ओनली रूट टू। टेन इनवर्स जो पी है उसकी वैल्यू पुट करते, पी क्या है टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टी, यहां से पी क्या मिल रहा है टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टी, टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टी, और वो टी इस रूट टू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा रूट टू टी प्लस कॉन्स्टेंट सी। आई इक्वल रूट टू टेन इनवर्स, अब जो टी स्क्वायर है उसको क्या पुट करे, यहां से देखो टी स्क्वायर टेन एक्स है ना, तो यहां पे लिखा मैंने टेन एक्स माइनस वन अपॉन रूट टू टी, क्या है रूट टेन एक्स तो अंदर ही लिख दिया मैंने टेन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये इसका सॉल्यूशन है।